हेलो गाइस, दिस इज़ अनुराग जैन। यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो है हम लोग हिस्ट्री के 14वें चैप्टर यानी कि आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, विभाजन को समझना, राजनीति और स्मृति अनुभव। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है तो अब सब्जेक्टिव भी आना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल तैयार रहिए और निश्चिंत रहिए, कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल बकवास नहीं करता इधर उधर की बातें, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पे आता हूँ ताकि कम समय में आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुओं में क्रोध का स्रोत था। तो हिंदुओं में क्रोध का स्रोत कब था, तब तब लीग और तंजीम। ठीक है, दोनों जो है ये जो है हिंदुओं में क्रोध का स्रोत था। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब बनाया गया था, बनाए गए थे, तो कब बनाए गए थे, देखिए यहाँ पे जो है आंसर 1909 है। ठीक है, 9 याद रखिए, 1909 मिंटो मार्ले जो आया था अधिवेशन कानून उसी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विभाजन को निम्न संज्ञा भी दी जाती है। तो विभाजन को कौन सी संज्ञा दी जाती है, महाध्वंस, महा मारामारी और रौला। ठीक है, ये सारा काम हुआ था तो ये जो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन जो है 1947 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, दोस्तों आपको पता हो 15 अगस्त 1947 को, ये तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो 1971 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पाकिस्तान का जो विचार है सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 की याद रखिए, VVI हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के बीच सबसे प्रभावशाली पार्टी के रूप में उभरी। तो मुसलमानों के बीच जो सबसे प्रभावशाली पार्टी के रूप में कब उभरी थी, 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है ये। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अब PDF भी आने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत विभाजन का मूल कारण था। तो भारत विभाजन का मूल कारण क्या था, तो भारत विभाजन का जो मूल कारण था वो आपको सांप्रदायिक भेदभाव था। ठीक है, सांप्रदायिक भेदभाव। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुसलमानों में निम्न मुद्दे पर गुस्सा था। तो मुसलमानों में किस मुद्दे पर गुस्सा था, तो गोरक्षा आंदोलन, आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, मस्जिद के सामने संगीत, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो है सभी हो जाएगा, मुसलमानों में इस सभी मुद्दे को लेकर गुस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता यानी कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता आप लोगों को पता होगा कि लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन से जो नया राष्ट्र अस्तित्व में आया उसका क्या नाम था। भारत विभाजन से आपको पता होगा पाकिस्तान बना था। ठीक है, जब पाकिस्तान का जब विभाजित हुआ था तब बांग्लादेश बना था, तो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश की स्थापना ने जिन्ना के निम्नलिखित सिद्धांत को नकार दिया। तो किस सिद्धांत को नकार दिया था, तो द्वि राष्ट्र का सिद्धांत जो है नकार दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 1946 के अंतरिम सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। तो अध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन थे 1946 के सरकार के, तो यहाँ जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको पता होगा प्रथम प्रधानमंत्री भी थे ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब पूछे कि प्रथम भारतीय वायसराय, तो यहाँ पे जो है आपका राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रंटियर पहाड़ी गांधी
यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो फ्रंटियर गांधी आपको पता, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, ठीक है, पहाड़ी गांधी या फ्रंटियर गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज का जो है ये लास्ट वीक क्वेश्चन है, तो 1946 के सामान्य सीटों पर सबसे अधिक सफलता निम्न पार्टी को मिली, तो किस पार्टी को मिली थी सबसे अधिक सफलता 1946 में सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर? तो कांग्रेस को मिली थी। किसको मिली थी? कांग्रेस को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।